हाय गाइस, वेलकम जेनी ब्लॉग्स। आज मैं आपको सबसे सिंपल एंड इजी दलिया बनाना सिखा रही हूँ, नमकीन दलिया, जिसमें आपके जो भी वेजिटेबल आप डालना चाहें, सीजन आप डाल सकते हैं। फिलहाल मेरे पास यहाँ पे फूल गोभी और फ्रोज़न मटर है। राइट, फ्रोज़न मटर आप गर्म पानी में डाल के रखेंगे तो एकदम ऐसे लगेगा जैसे नेचुरल है, तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर दिया है फ्रोज़न मटर एंड फूल गोभी, टमाटो, अनियन, ग्रीन चिली, हींग और जीरा। इसके बाद नमक, मसाले जो आपको लेना है, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा धनिया पाउडर इसलिए क्योंकि इसमें टेस्ट का थोड़ा क्रिस्पीनेस आ जाता है, हल्दी और रेड चिली पाउडर, 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ तेल लिए हैं, दलिया लिया है और वाटर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। यहाँ पर मैंने गैस को ऑन किया, कुकर लिया है। सबसे पहले इसमें मैं ऑयल डालूंगी, ऑयल को चेक करती रहूंगी। तेल गर्म हो चुका है तो इसमें मैं जीरा और हींग को एक साथ डाल रही हूँ। साथ में ग्रीन चिली, ये चिली बहुत स्पाइसी इसलिए मैंने लेट्स ली है। उसके बाद मैं इसमें अनियन डालूंगी, देखिए अनियन का कलर चेंज हो गया, थोड़ा ब्राउनिश आ गया। इसमें मैं अब ये फूल गोभी एंड मटर डाल दूंगी, इसको वेजिटेबल की तरह फ्राई करना है गाइस। वेजिटेबल काफ़ी अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुके हैं, अब इसमें मैं ये मसाले डाल देंगे। अच्छा थोड़ा सा वेट करेंगे, मसाला से सब्जी गेन कर ले, जो भी मसाले सब्जी अच्छे से अपने आप को टच कर ले। मसाले अच्छे से हो चुके हैं, तेल छोड़ दिया है मसालों ने, और इसमें मैं टमाटो यूज़ कर रही हूँ। अब इसे 2 मिनट ढक देंगे ताकि टमाटर जो है पानी छोड़ दें। अब चेक करते हैं टमाटर जल गए हैं अच्छे से। जी हाँ, देखिए पानी छोड़ दिया अच्छे से। अब इसमें हम दलिया डाल देंगे। दलिया इसलिए भी डाल रहे हैं क्योंकि दलिया थोड़ा सा हमें रोस्ट भी करना है सब्जियों में। इस दलिये के अगर आपको टेस्ट पकड़ गया तो आप, मैं गारंटी देती हूँ, वीक में आप इसको 3 टाइम जरूर ट्राई करेंगे। अब दलिया थोड़ा सा रोस्ट होने देते हैं। यहाँ पे मैं कुकर का ढक्कन हटा के देखती हूँ, दलिया काफ़ी अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुका है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। गैस आपका एकदम मीडियम होना चाहिए, तो पहले मैंने 1 ग्लास डाला है ताकि मैं दलिया को बिल्कुल कहीं चिपके नहीं कर लूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। और मैंने एक वाटर बैटर में फिल किया था थोड़ा वाटर, पानी आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, आपको कितना गाढ़ा खाना है, कितना लाइट टेस्ट करना है इसका। मैं थोड़ा और वाटर यूज़ करूँगी क्योंकि मेरे बच्चों को थोड़ा पतला पसंद है। आप देख रहे हैं मैंने पानी का काफ़ी अच्छा यूज़ किया है। यहाँ पे सब्जियाँ दलिया एकदम फिक्स्ड है। अब इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। आप सॉल्ट के साथ इसमें
घी भी डाल सकते हैं अगर आप लोग घी पसंद करते हैं तो। ये गाइस देखो मेरा होममेड घी है, ये भी मैं आपको नेक्स्ट लेवल पे बताऊंगी। घी लग गया, सब अच्छे से रोस्ट हो चुका है। इसमें अब इसमें हमें 2 से 3 विसल का वेट करूंगी, वैसे मुझे 3 लेना है, आप देखते रहिए। ये 3rd सीटी आने वाली है भाई। हमें गैस को ऑफ कर दिया मैंने, तो मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। देखिए एकदम फुटो, प्रेशर ठंडा होता है, मैं इसे ओपन कर दूंगा। देखिए दलिया का, देखिए आपको मैं अगर पानी ना आ जाए तो देखिए बस पूरा गल गया है। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। अपने बच्चों के निकाल रही हूँ, इसका प्रेशर तुरंत निकाल देगा, थोड़ा और देर तक गर्म रहेगा। अच्छा इसमें एक चीज़ और है कि आप इसमें थोड़ा घी और ऊपर से डाल सकते हैं, जिससे क्या है इसका टेस्ट और अच्छा आ जाएगा। देखिए घी जैसे पिघलेगा खिचड़ी में, ये बहुत यम लुक आ जाएगा। इसमें आप दही भी डाल सकते हैं साथ में खाने के लिए। बाकी मेरा पूरा शे तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।